स्माइल कितनी प्यारी लग रही है साथ साथ हमने अपनी चाय बनाई है ये देख नेटफ्लिक्स भी चल रहा है यहाँ पे ये माहौल है हमारे ये <coughs> अच्छा ये क्या है ये गरा चिकन है और ये, ये क्या, ये क्या है? है और ये स्पेशल सॉस है इनकी हाँ। प्लीज अब बस कर दे भाई

से से। करेंगे भाई उस वाले का, का थी। अच्छा जी अब हम आए खाना खाने बाकी तो सारा कुछ मैं आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बता ही चुकी हूँ ये फिर तेहरी की आवाजों को आप लोगों ने इग्नोर करना है मेरे साथ ही रहता है माशाल्लाह चमचा है तो ये माशाल्लाह इनका टेस्ट इतना मज़े का था ना अच्छा जी मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट व्लॉग क्योंकि आज के व्लॉग के लिए इतना स्टफ नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि हम मेरे हमारे साथ लास्ट व्लॉग में लास्ट दिन क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ जस्ट वन नाइट स्टे किया है और इतना स्केरी हमारा एक्सपीरियंस रहा ना रेस्ट हाउस तो बहुत ज़बरदस्त था बहुत ज़बरदस्त लेकिन बच्चे बीमार जैसे कि आपने थ्रू आउट सफ़र में हमारी आवाज़ें सुनी हम बीमार तो हमारा हो रहा था यार हम कब घर चले जाएं कब हम सुबह हो और हम वापस निकले और सुबह ऐसे जैसे होने का नाम ही नहीं थी ले रही और अब मैं आपको बता रही हूं तो मुझे आ रहे हैं यकीन करें इतनी स्केरी नाइट थी ना बस मतलब बच्चे बीमार ना हो हम हो ना तो फिर भी चल जाता बाकी मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं वो बता सकती कि अब टाइम देखते थे नौ बज रहे हैं। दस बज रहे हैं यार क्यों नहीं तीन बज रहे चार नहीं बज रहे चले आठ नौ बजना तो हो रहा है पर जैसे ही सात बजे है ना हमने निकलने की की हम कोई भी ठीक से नहीं सोया ना दूसरी फैमिली ना ही हम हमारा ध्यान बच्चों की तरफ ही था बाकी वो जरा हो रेस्ट हाउस थोड़ा सा हटके था मतलब दूर था रास्ता बहुत ही सुनसान सा था ज़्यादा और वैसे भी वो टाइम भी इस तरह का था ना सर्दियों का तब इतने लोग नहीं जाते बाकी हमने कुछ जरूरत का सामान था वो लिया क्योंकि वहाँ पे पास पास कोई भी शॉप नहीं थी और हाँ अगर आप ज़्यादा फैमिली जाओ तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप लोगों को उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट uh, करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बता बनाने दिया और एज सच ना हम कई बाजारों में रुके भी नहीं ज्यादा मैं जुनेैद को अपना व्लॉग चेक करा रही मैं क्या देखे जुनेद सफ़र ही सफ़र है कहते कोई बात नहीं गाड़ी वाला सफ़र हमने कर लिया और अब <laughs> इंग्लिश वाला सफ़र वो कर लें हमारे ब्लॉग देख के तो बाकी देख लें आप आवाज़ सुन रहे हैं बच्चे किस तरह से हो रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो कि हम जाने का जो मौसम है ना ठीक वो ये वाला है और ये नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी में बिल्कुल ना जाए स्नो फॉलिंग में भी ध्यान रख के हम आ, मरी गए थे तो बहुत सही रहा था क्योंकि जस्ट हम कपल थे तब हम, हमारे बच्चे नहीं थे तो जब से बच्चे हुए हैं तब से हम लोग स्नो फॉलिंग में नहीं गए और शायद जाए बिना या शायद जाए <laughs> कुछ भी नहीं कह सकते कम अज कम भी जो है ना वो आ, बीस पच्चीस या हाफ हाँ, हाँ, आवर का व्लॉग होगा जो मैंने एडिट कर करके सिक्स मिनट्स पे लेकर आई हूँ कि यार मैं बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं नहीं थी व्लॉग बना रही जो नहीं बना रही थी और तब इतना मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था तो बस और बच्चों की तबीयत भी नहीं थी ठीक अच्छा ही रहा वो जब हम मरी गए थे तो आप चेयर लिफ्ट पे बैठी थी अच्छा जी यहाँ जो नतिया गली का पार्क था ना वो बंद था वहाँ पे ना चेयर लिफ्ट चल रही थी कुछ भी नहीं सिर्फ हॉर्स राइडिंग थी और इतना खुश थी नवी से देखे खुश हो गई कि शुक्र मेरी बच्ची के चेहरे पे स्माइल आई तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी अल्लाह बुरी नज़र से बचाया हर बच्चों को तो वो इंशाल्लाह वो वाला ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो इससे पहले मैंने बनाया था वो वाले में ना हम सही मौसम में गए थे मतलब इन दिनों की गए थे अच्छा ये मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ इस रेस्ट हाउस का नाम था ईगल नेस्ट अगर किसी को भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो काइंडली कमेंट में पूछ लें और जो है इनका रवैया हर लिहाज से बहुत अच्छे थे इन्हें जिस टाइम जिस चीज़ हमें जरूरत की हमें ज़रूरत थी सिलेंडर की गर्म पानी की या जो भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया चाहे वो जितनी मर्जी लेट हो गए थे मतलब अगर हमें सिलेंडर चाहिए था दो सिलेंडर तीन सिलेंडर इन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड किए क्योंकि ठंड बहुत थी सिर्फ एक स्नो फॉलिंग नहीं थी बाकी ठंड बहुत थी जी फिर हमारा प्लान ये बना कि यहाँ तो हमने जस्ट वन नाइट स्टे किया तो हम वही इस्लामाबाद में वन नाइट स्टे कर लेंगे क्योंकि हम टू नाइट्स का आ, मतलब प्रोग्राम बनाकर निकले थे बट बच्चों की वजह से फिर हम नहीं रुक सके तो फिर हम इस्लामाबाद चले गए इस्लामाबाद फिर हम लोगों ने मतलब कोशिश की होटल्स वगैरह ढूंढने की लेकिन नहीं दिल मानना तो फिर हम लोग नहीं रुके क्योंकि बस थोड़ा सा ही सफ़र और था जहाँ इतना सफ़र कर लिया वो और सफ़र कर लेते अच्छा इरहान ने ना यहाँ पे बहुत इंजॉय किया वो वाले मुझे ना क्लिप्स नहीं मिले दूसरे स्टोरी की शेप में थे फिर मैंने वो नहीं डाले यहाँ पे इसने अच्छी खासी एक्सरसाइज की हम मॉल में चले गए थे फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया तो फिर हम लोगों ने स्टे नहीं किया और हम लोग ना फैसलाबाद को निकल गए क्योंकि स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं था नज़र आ रहा मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था कह रहा जुनेद और मतलब उनके भांजे का थोड़ा बहुत इरादा बनता था लेकिन मेरा और उसकी मिसिस का नहीं इरादा बनता था तो पता है क्या वो जब बंदा एक जगह से निकल आए ना फिर दिल है बस घर ही जाके ब्रेक लगाई फिर अपना बेड हो रहा हम हो। <laughs> फिर बाकी फिर ये आ, मतलब काफ़ी फेमस तो था लेकिन मुझे यहाँ का टेस्ट इतना कोई ख़ास नहीं लगा हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इससे बेहतर हम लोग कहीं और चले जाते दिखने में तो बहुत प्यारा था लेकिन टेस्ट नहीं था वैसा जैसा होना चाहिए था ठीक है तो बाकियों का मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं आया फिर मैंने बस ग्रेवी के साथ था थोड़ा बहुत ये नान ही ले लिया और मैंने कुछ भी नहीं खाया तो उसके बाद बस फिर हम लोगों ने निकलने की भी यहाँ से अच्छा जी करते हैं अपने व्लॉग का एंड जो चीज़ रह गई होगी वो वह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग किसी भी व्लॉग में बता दूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैं भूल जाती हूँ चलें जी आई होप आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे होंगे और दुआओं में आप लोगों ने याद रखना लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना और बहुत सारा प्यार भी मिलेंगे इन नेक्स्ट व्लॉग में अला हाफि